Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. Dear students, today we are going to discuss unit number 5, comprehension. Isse pehle humne, we have completed second unit written work. Aapko jo second unit ke written work rehti hai wo complete karaye. ठीक है, यूनिट नंबर 5 सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं और रिटन वर्क आपने यूनिट नंबर 5 के फिलहाल आपने स्टार्ट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने यूनिट नंबर 2 तक कंप्लीट करना है. जब तक आप सेकंड यूनिट में थर्ड यूनिट आपके लिए रेडी कर दूँ तो फिर आप थर्ड यूनिट रिटन वर्क जो हमने पोर्शन बनाया है रिटन वर्क का इंग्लिश का, तो फिर वो आप करेंगे. सो लेट्स कम टू द यूनिट नंबर 5, the Medina Charter, page number 41. The theme of the lesson is human rights. Contents mein hai hamare saath comprehension, word sentences, words meanings, writing questions. So let's come to the mind map. Mind map mein hamare saath jo pehle point hai, aapne Medina Charter, फिर आपने मदीना चार्टर के साथ जो है फर्स्ट पॉइंट जो है माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना. फिर जो थे हमारे साथ सेकंड पॉइंट है द रिफ्यूजीज हेल्पर्स ज्यूज आइडोलेटर्स. नेक्स्ट जो पॉइंट है नीड ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन, एबॉलिश्ड ऑफ ट्राइबल डिस्टिंक्शन, drafting of Medina Charter, give complete right to all and sundry, adoption of UDHR in 1948, incorporation of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights, and main points of the Universal Declaration of Human Rights. तो ये आपके जो mind map है unit का, वो ये important point है जो हम हर यूनिट के स्टार्ट में माइंड मैप बनाते हैं. तो ये माइंड मैप है फर्स्ट. सो लेट्स कम टू द टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन, पेज नंबर 45. कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वी हैव व्हाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लम एबॉलिश द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना. क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइली इम्तियाज को मदीने में ख़त्म किया. एबॉलिशमेंट ऑफ द ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना, फर्स्ट पॉइंट जो हेडिंग है वो ये है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने एबॉलिश्ड ट्राइबल डिस्टिंक्शन. ट्राइबल डिस्टिंक्शन मीन कबाइली इम्तियाज, एबॉलिश मीन ख़त्म करना. क्रिएशन ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन, बाहमी हम आहंगी, कोऑपरेशन तावन, बाहमी तावन एंड हार्मनी और हम आहंगी पैदा की, गुडविल एंड सपोर्ट. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत के क़याम अमल में लाया गया, एक इस्लामी रियासत कायम किया. द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद एबॉलिश्ड ट्राइबल डिस्टिंक्शन इन मदीना, हज़रत मोहम्मद ने कबाइली इम्तियाज को मदीने में ख़त्म किया. एंड कोऑपरेशन और कोऑपरेशन क्रिएट, टू क्रिएट हार्मनी, ताकि हम बाहमी हम आहंगी पैदा करें, कोऑपरेशन ताउन पैदा करें अमोंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ मदीना, मदीना के बाशिंदगान के दरमियान. ईसा सल्लम न्यू, आप सल्लम जानते थे दैट गुडविल के उनकी बेहतरी एंड सपोर्ट और हमदर्दी और ताउन ज़रूरी होती है ऑफ ऑल द सेक्शन, तमाम तबकों की, ऑफ द पीपल लोगों की, और नेसेसरी ज़रूरी है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए. सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल इम्तियाज को ख़त्म किया मदीना में, ताकि वहाँ पर हम आहंगी बाहमी तावन और हम आहंगी मदीना के बाशिंदगान के दरमियान पैदा हो जाए. और आप सल्लम जानते थे कि तमाम ग्रोहों की हिमायत और ज़रूरी होती है जब मुख्तलिफ तबकों के लोग एक रियासत में आबाद होते हैं, और उन्होंने इस्लामी रियासत के लिए सब लाहे अमल किया था. सेकंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डिड यू एन अडॉप्ट यूनैनिमसली,
यूएन यूनाइटेड नेशन ने मुत्तफ़िका तौर पे क्या चीज़ एडॉप्ट की थी, मंजूर की थी? यूएन एडॉप्टेड द यूनानिमसली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। फर्स्ट पॉइंट है माइंड मैप का, सेकेंड है 10 दिसंबर 1948। फिर हमारे साथ रिलीजियस पर्सनल सिविक एंड पोलिटिकल राइट्स हैं, इकनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। इट वॉज गिवन बाई द यूएन। सो द जनरल असेंबली ऑफ यूएन यूनानिमसली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस तरह आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो आप देखते हैं जिस तरीके से हमने लिखा है, यूनिवर्सल जो इनवर्टेड कॉमास में हमने बंद किए और हेड ये हमारे साथ टाइटल है, तो टाइटल में जो हमारे पास इनिशियल लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। द जनरल असेंबली ऑफ यूएन यूनानिमसली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। दिस डिक्लेरेशन प्रोक्लेम्स द रिलीजियस, रिलीजियस मीन मजहब, प्रोक्लेम्स मीन जमानत देती है, पर्सनल जाती सिविक शहरी पोलिटिकल सियासी इकनॉमिक माशी सोशल समाजी एंड कल्चरल राइट्स और सकाफती हुकूक हुकूक ऑफ आल ह्यूमन बींग्स, तमाम बनुआ इंसान के। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ डू वी नो दैट इस्लाम इज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? हाउ डू वी नो, किस तरह हम जानते हैं दैट इस्लाम इज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, के इस्लाम इंसानी हकूक का अलमबरदार है? आंसर, लुक एट द माइंड मैप। माइंड मैप के जो सब हेडिंग है जो इस्लाम द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट पॉइंट जो है, इस्लाम गिव्स ड्यू राइट्स टू एवरीवन। इस्लाम जो है हर एक को बराबर की हकूक देता है, एक जैसे हकूक देते हैं। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ मदीना चार्टर, और जो हमारे साथ इनकॉर्पोरेशन मतलब शमूलियत, मदीना चार्टर का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में शामिल होना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर। इस्लाम इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकॉज ऑल द क्लॉज ऑफ मदीना चार्टर गिव ड्यू राइट्स ऑफ फ्रीडम टू एवरी पर्सन। इस्लाम इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस्लाम जो है इंसानी हकूक का अलमबरदार है, हिफाजत करने वाला है। बिकॉज क्योंकि ऑल द क्लॉज, क्योंकि सारे जो नुकात थे, जो सारे दफात थे अब मदीना चार्टर मिसाक मदीना की, गिव ड्यू राइट्स ऑफ फ्रीडम, वो आज़ादी के हकूक देती है टू एवरी पर्सन, हर एक शख्स को। इन 1948 1948 में द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 1948 में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने यूनानिमसली यूनानिमसली मुत्तफ़िका तौर पे इनकॉर्पोरेटेड शामिल किया द क्लॉज़ेस ऑफ मदीना चार्टर मिसाक़ी मदीना के जो दफात थे इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल मीन आलमगीर, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनो इंसान के हुकूक, जो इंसानी हकूक के आलमगीर एलामिया में शामिल किया। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द क्लॉज ऑफ मदीना चार्टर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिसाक मदीना का हुकूक इंसानी के आलमगीर एलामिया में शामिल करना शोज, ये जाहिर करता है दैट इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि इस्लाम सबसे अजीम अलमबरदार है इंसानी हकूक का। ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर मीन सबसे अजीम, प्रोटेक्टर मीन हिफाजत करने वाला। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर फोर। डिफाइन टॉलरेंस। टॉलरेंस का आप क्या कर ले, डिफाइन कर ले, कि डिफाइन मतलब कि बर्दाश्त हमारे साथ क्या चीज़ है। एंड गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट, और टेक्स्ट से जो है मिसालें दें। आंसर जो है, टॉलरेंस मीन बर्दाश्त से हमारा मतलब अफेयर, एक मुनासिब एन ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड और एक बामकसद रवैया है टूवर्ड्स दोस्त दूसरे लोगों की तरफ, हुज लाइफ स्टाइल, जिसकी तर्ज ज़िंदगी, रिलीजन, मजहब, ओपिनियन, राय और नेशनलिटी या
قوميت differ from ours, جو ہم سے مختلف ہو. There are a number of examples in the text of Medina Charter. Medina Charter کے جو ہمارے ساتھ unit ہے اس میں بے انتہا مثالیں ہیں ہمارے ساتھ برداشت کے. Some of them are the following. اس میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر کی جاتے ہیں. The Muslim, Musliman, the Jews and the other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform the religious ceremonies. So the first example, کہ مسلمان یہودی اور دوسری طبقے جو اس ریاست میں رہتے ہو ان کو مکمل طور پر آزادی ہوگی کہ وہ اس کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ہوگی. Henceforth, second example کی طرف دے, henceforth bloodshed, murder and violence should be haram in Medina. اب سے مدینہ میں خونریزی, قتل و غارت, تشدد حرام ہوگی. So let's come to the question number 5. We must always honor our words. Why? ہمیں اپنے جو وعدے کی پابندی, وعدے کی پاسداری کرنے چاہیے. Honor our words mean اپنی جو ہم وعدہ کر دیتے ہیں اسے ہم پورا کرنا چاہیے. جو ہم زبان دیتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. کیوں؟ Always honor the words, debates or character. اگر ہم اپنے جو وعدہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے جو شخصیت ہے اس کو کم تر کر دیتی ہے, اس کو حقیر بنا دیتی ہے دوسرے کے نظروں میں. makes us doubtful, ہمیں شبہ والے بنا دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے منافق ہے, وہ ہے hypocrite ہے. اسلامک ٹیچنگ ہمیں کیا سکھاتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو ہمیں کیا سکھاتا ہے. We must always honor our words. ہمیں اپنی وعدے کی پاسداری کرنے چاہیے. because کیونکہ if words are not honored, اگر الفاظ کی پاسداری نہیں کی جاتی, وعدے کی پابندی نہیں کی جاتی, it debases our character. یہ ہماری کردار کو کم تر بنا دیتا ہے. and make us اور ہمیں بنا دیتا ہے doubtful, دوسری کے نگاہ میں شک اور شبے والا, شک والا. in the eyes of other, دوسری کے آنکھوں میں. اسلام teaches us, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے that promises should be kept, کہ وعدے کی پابندی کرنے چاہیے. in a hadith, the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, there is no religion for one who doesn't fulfill his promise, کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتا. یہ ایک منافق کی نشانی بھی ہے کہ جو وعدہ کرے اور وعدہ کمپلیٹ نہ کرے, تو that is called hypocrite. so this is enough for today. اور جو آپ کے یونٹ نمبر 2 ہے اس کی آپ نے ریٹن ورک کمپلیٹ لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ ٹرانسلیشن کے جو میرے لیکچر ہے اس سے اس پیراگراف کی ہیلپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے.